लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर बवाल मच गया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आप ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही लोकसभा स्पीकर से रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल रमेश बिधूड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे, तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की। इस पर रमेश बिधूड़ी भड़क गए। उन्होंने लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि अब लोकसभा के रिकॉर्ड से उनके बयान का विवादित हिस्सा हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने रमेश बिधूड़ी के मामले को गंभीरता से लिया और नाराजगी जताई है। साथ ही रमेश बिधूड़ी को चेतावनी भी दी है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक बयान के लिए लोकसभा में माफी मांगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर उनकी टिप्पणी से विपक्ष आहत हुआ है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। उधर कांग्रेस और टीएमसी ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने ट्वीट किया। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने रमेश बिधूड़ी को पार्टी से निकालने की मांग की है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा, मुसलमानों ओबीसी को गाली देना भाजपा की संस्कृति का अभिन्न अंग है, ज्यादातर को इसमें गलत नहीं दिखता। उन्होंने पीएम मोदी को टैग करते हुए लिखा, इसने भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है कि वे मुस्कुराकर सब कुछ सह लेते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग की है। राजद सांसद मनोज झा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। रमेश बिधूड़ी से जब विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मामला संसद के अंदर हुआ, मैं उन चीजों पर चर्चा नहीं कर सकता जो संसद के अंदर हुई। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। दूसरी तरफ बीजेपी ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है कि आखिर उनके खिलाफ पार्टी कार्यवाही क्यों नहीं करे। उन्हें पार्टी की अनुशासन समिति को 15 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। उधर लालू प्रसाद यादव ने बिधूड़ी की भाषा की आलोचना करते हुए कहा कि संसद में विपक्ष के एक सांसद के लिए जिस अमर्यादित असंसदीय और तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहा है वो घोर आपत्तिजनक निंदनीय एवं लोकतंत्र व समाज के लिए चिंताजनक है। ये इनका अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है।